Hello students, how are you all? Today's our subject is English. It's page number 12 and topic is let us write A to D. So students, today we wrote some letters. So let's start. जैसे कि पहले क्या है, ए फॉर एप्पल, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए. तो यहाँ हमें पहले क्या करना है, ए को ट्रेस करना है. तो ए को ऐसे हमने ट्रेस किया, फिर यहाँ पे जो खाली बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे हम ए को कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे. पहले स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन एंड बीच में स्लीपिंग लाइन, रेड लाइन टू ब्लू लाइन. एंड अब हम लिखेंगे स्मॉल ए. तो स्मॉल ए को पहले हम ट्रेस करेंगे. तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें पहले तो हमें सी बना देना है, फिर लाइन को ऊपर लेके फिर नीचे लाना है. तो यहाँ भी अब हम स्मॉल ए को लिखेंगे, पहले स्मॉल सी एंड स्टैंडिंग लाइन. एंड है बी, बी फॉर बलून. तो यहाँ पे पहले कैपिटल बी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, उसके पहले हम ट्रेसिंग करेंगे. तो उसको पहले हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई एंड टू क्या बनाएंगे, सर्कल. तो यहाँ पे खाली बॉक्स में भी हम बी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. रेड लाइन टू ब्लू लाइन में ही आपका लेटर आना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए. यहाँ पे अब पहले हम क्या लिखेंगे, स्मॉल बी. तो स्मॉल बी में पहले हम ट्रेस करेंगे. तो ट्रेसिंग में पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसको एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना देंगे. तो अब यहाँ पे जो खाली बॉक्स है वहाँ पे भी हम पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से छोटा सा सर्कल बना देंगे. और जो यहाँ पे ऐसे जो दिया हुआ है उसको भी हमें ट्रेस करना है. तो ये ट्रेस किया है, तो ये क्या है, बी के लिए जो हम यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हैं ये वो है. तो ये किसके जैसा लेटर है, सी के जैसा है. तो इसको भी हम सबको ट्रेस करना है. तो अब ये क्या है, सी, सी फॉर कैट. पहले हम यहाँ पे सी को ट्रेस करेंगे, फिर अब यहाँ पे लाइन में सी को ट्रेस करेंगे, रेड लाइन टू ब्लू लाइन. फिर यहाँ जो खाली लाइन है वहाँ पे भी हम सी लिखेंगे. अभी हम लिखेंगे स्मॉल सी, ये भी सेम कैपिटल सी की तरह ही है, सिर्फ वो रेड, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल सी रेड टू ब्लू लाइन है और स्मॉल सी जो है वो ब्लू टू ब्लू लाइन है. अब हम क्या लिखेंगे, डी, डी फॉर डॉग. तो पहले हम कैपिटल डी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. पहले आएगी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ट्रेस करेंगे हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे भी स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल. यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, स्मॉल डी. तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको ट्रेस करेंगे. अब फिर यहाँ पे हम इसको पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसको यहाँ से हाफ सर्कल बनाएंगे. अब ये जो बॉक्स खाली है उसमें भी हम डी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाके इसको यहाँ से सर्कल. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस राइट ई टू एच. ये क्या है, ई, ई फॉर एलिफेंट. तो फर्स्ट हम कैपिटल ई कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. तो फर्स्ट हम इसको स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. तो ई में थ्री स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन. तो यहाँ जो खाली बॉक्स है उसमें भी कैपिटल ई लिखेंगे. पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. एंड नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ई. तो स्मॉल ई कैसे लिखते हैं उसके लिए पहले हम उसको ट्रेस करेंगे. तो पहले स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से लेके इसको सर्कल.
एंड अब स्मॉल ई कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम स्लीपिंग लाइन यहाँ से लेके छोटा सा सर्कल, तो स्मॉल ई कैसे हैं देखिए, पहले स्लीपिंग लाइन एंड छोटा सा सर्कल। तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ, एफ फॉर फिश। तो पहले हम इसको ट्रेस करेंगे एंड अब कैपिटल एफ में पहले स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। तो एफ में कितनी स्लीपिंग लाइन आती है, ओनली टू। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल एफ लिखेंगे एंड यहाँ पे अब हम स्मॉल एफ लिखेंगे, वो भी सेम कैपिटल के जैसे ये, लेकिन इसमें पहले छोटा सा ऊपर से कर्व कर्व मतलब सर्कल बना के बीच में लाइन, तो बन गया एफ। अब हम लिखेंगे जी, जी फॉर गर्ल। तो अब कैपिटल जी कैसे बनता है वो देखेंगे। तो इसको पहले हमें सी की तरह ही लिख के फिर ऊपर छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो वापस से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, तो देखिए पहले ऐसे सी के तरह ही यहाँ तक लाए, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, तो बन गया हमारा जी। तो अब हम ये स्मॉल जी कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो पहले इसको ट्रेस करेंगे कि कैसे ट्रेस होता है ये, तो इसके पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस में पहले हम इसको ऐसा जे के तरह बना देंगे, फिर इसको सर्कल बनाएंगे, या तो फिर डायरेक्ट हम इसको पहले सी की तरह करके ऊपर लाइन करके फिर सर्कल, तो बन गया जी। अब हम लिखेंगे एच, एच फॉर हैंड। तो पहले हम यहाँ पे जो ट्रेसिंग का दिया हुआ है तो इसको हम पहले सारा ट्रेस करेंगे। अब हम कैपिटल एच में क्या करना है, पहले दो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। अब हम स्मॉल एच कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड फिर ऐसे। तो इसमें कैसे करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी मैंने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलून, सी फॉर कैट, डी फॉर डक, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल एंड एच फॉर हैंड, ये जो मैंने आपको कुछ लेटर्स आज दिखाए हैं वो आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करना है अच्छे से। थैंक यू।